नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेक के बारे में। सिंपल वाले ब्रेक के बारे में बात करेंगे जो किसी भी मशीन में लगा रहता है, तो हम उसकी पहचान करेंगे कि जिसमें जो है ना सिंगल वाइंडिंग का ब्रेक होता है वो, और एक रेक्टिफायर से ऑपरेट होता है। हमें उसकी एक सिंगल जो वाइंडिंग की कॉइल रहती है उसमें सिंपली दो तार निकले रहते हैं। उन दो तारों में हमें डीसी वोल्टेज देनी होती है, और डीसी वोल्टेज हम किस तरह से देंगे, ये डीसी वोल्टेज हमें एक रेक्टिफायर के द्वारा देनी होती है। रेक्टिफायर जिसके बारे में हम एक वीडियो स्पेशल बना देंगे और रेक्टिफायर के बारे में समझाएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना बताएंगे कि दो फेज से लेके हम जब रेक्टिफायर में देते हैं, रेक्टिफायर से वो स्पेसिफिकेशन जो भी ब्रेक की रहती है, ब्रेक को जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी उसी हिसाब का रेक्टिफायर हम लगाते हैं। जैसा मोस्टली जो बेंडिंग मशीन में यूज होता है वो 440 वोल्ट से 190 वोल्ट डीसी बना के देता है, तो हम उस तरह का रेक्टिफायर एक लगा के उसमें से डीसी वोल्टेज लेके, क्योंकि रेक्टिफायर का काम है कि एसी से डीसी वोल्टेज बनाता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर का काम है। तो उससे हम ब्रेक की कॉइल में देते हैं सप्लाई, और उससे क्या होता है, उससे मैग्नेट पैदा होती है उसमें, और वो मैग्नेट इतनी हैवी होती है कि प्लेट वहां पे जो लगी रहती है उसमें स्प्रिंग के दबाव से वो मोटर को चिपका के रखती है, तो वो मैग्नेट जब बनती है तो वो प्लेट अपनी तरफ खींच लेती है और बीच की जो ब्रेक की प्लेट होती है वो फ्री हो जाती है और मोटर के साथ में घूमने लगती है। तो इस तरह से मोटर का ब्रेक काम करता है। तो आज हम आपको डीपली इसके बारे में बताएंगे, उसका बैक का ब्रेक हम खोल के आपको दिखाते हैं, उसकी एक एक चीज के बारे में हम बताते हैं, और उसको मैग्नेट आपको दिखाएंगे कि वो कैसे मैग्नेट पैदा करता है और कैसे वो ब्रेक को, कैसे मोटर को पकड़ के रखता है। तो आओ शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास एक मोटर है, सिंपल ब्रेक जिसमें लगा हुआ है, तो इसका ब्रेक हम खोल के दिखाते हैं। ये ख़राब हो गया है और काम नहीं कर रहा है, तो इसमें हम खोल के देखेंगे कि क्या हुआ है। इसी से हमें पता लग जाएगा इसमें क्या फंक्शन रहता है, क्या क्या इसमें पार्ट रहते हैं। तो इस तरह से हम इसके पार्ट के बारे में आपको सारी डिटेल बताएंगे। देखो ये इसमें बीच में जो प्लेट है इसी से ब्रेक चिपकता है, और ये मैग्नेट कॉइल है, यही मैग्नेट बनाती है जिससे ये अपने पास वाली प्लेट को अपनी तरफ खींचती है और ब्रेक रिलीज हो जाता है, मोटर फ्री हो जाता है। तो अभी हम इसको खोल के तब आपको सही से बताते हैं। अभी इसके हम स्क्रू खोल लेते हैं। स्क्रू खोल के ये मैग्नेट कॉइल अलग हो जाएगी और इसके सारे पार्ट एक एक करके निकलते चले जाएंगे। तो अभी ये मैग्नेट कॉइल और उसके साथ की एक प्लेट जिसके नीचे स्प्रिंग रहते हैं, और ये हमारे पास में एक बीच की प्लेट है जो जिसमें ब्रेक शू लगे रहते हैं, इसको भी हम निकाल सकते हैं। इसमें ये गियर में फंसा रहता है और ये अप डाउन होती है, इसी से ही मोटर फ्री होता है और जाम होता है जब ब्रेक लगते हैं। तो इसको प्लेट को भी हम निकाल के दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें रबड़ के दो रिंग रहते हैं इसलिए ये थोड़ा टाइट रहता है इसमें। तो इस तरह से ये गियर पर चढ़ा रहता है, ये ब्रेक शू इस पर लगे रहते हैं प्लेट पर, और इस तरह के इसमें गियर बने रहते हैं। ये गियर है इसका, इसमें ये अप डाउन होता है, ये इसका फंक्शन रहता है। ये दो इसमें रबड़ के रिंग हैं जो इसे पकड़ के रखते हैं थोड़ा, किसी में नहीं भी होते हैं और किसी किसी में होते हैं। तो अभी इसको हम थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, और ये काफ़ी दिन से अभी वर्किंग में नहीं है तो इसलिए इस पर जंग भी आ गया है, इसको हम थोड़ा साफ़ कर लेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मैग्नेट जो है ना अच्छी तरह साफ़ सुथरी रहे, उस पर ज़्यादा जंग ना लगा रहे, तो उसके साफ़ करके ही हम इसमें अच्छी तरह लगाएं जब भी हम मोटर के ब्रेक को खोल लें। तो इसे हम साफ़ कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा चमका लेते हैं। अब ये चमक गया है, तो अब इसको हम देखते हैं, मैग्नेट कॉइल को चेक करेंगे। ये हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही इसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है। ये दोस्तों ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, इस लॉक में ये गियर फंसा रहता है, गियर और ये प्लेट जल्दी कुछ ख़राब नहीं होता है इसका, तो इसको हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है खोलने की जल्दी। बस इसको ये प्लेट इसमें अप डाउन होती है गियर में, और इसी प्लेट पर ब्रेक शू लगे रहते हैं, इस तरह से ये प्लेट इस पर रहती है। और इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं थोड़ा, इसको थोड़ा रफ़ कर लेते हैं, ये बिल्कुल चिकना नहीं रहना चाहिए, थोड़ा रफ़ रहना चाहिए। तो उस तरह से ये थोड़ा रफ़ हो गया है, इसमें एमरी पेपर हमने मार दी जिसे रेगमार भी बोलते हैं। अब इसको हम खोल के देखेंगे कि इसमें अंदर हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका मैनुअल लीवर है जो जिससे ब्रेक रिलीज किया जाता है। तो ये तीन नट बोल्ट इसके, ये बोल्ट ही है, नट तो इसको हम नहीं कह सकते,
और इसमें बीच में होल रहता है जिसमें से, और इसमें नट टाइट होते हैं जो मोटर में लगते हैं इसे होल्ड करने के लिए, जो मोटर में टाइट करने के लिए इसमें सहायता करते हैं हमें, वो इसके अंदर से ही लगते हैं तीन नट, तीन बोल्ट। तो इस तरह से इन तीन बोल्ट को खोलने में ये प्लेट अलग हो जाएगी और दो लीवर के रह जाएंगे, ये भी हमें खोलने पड़ेंगे इसको अलग करने के लिए। तो ये मैनुअल लीवर है, जो ये मैनुअल लीवर काम करता है वही काम मैग्नेट कॉइल करती है इस प्लेट को नीचे की तरफ दबाने का। तो इस तरह से जब ये लीवर इसे नीचे की तरफ खींचता है इन दो बोल्ट की सहायता से, तब जाके ये ब्रेक रिलीज होता है। तो इस तरह से हम इसको, ये छोटे स्प्रिंग हैं इसमें इस तरह से, क्यों ये सिर्फ लीवर वाले बोल्ट में है और ये बड़े स्प्रिंग हैं, तो तीन स्प्रिंग ये ऊपर की साइड में हो गए और छः स्प्रिंग ये अंदर की साइड में हो गए इसके। तो स्प्रिंग के साइज अंदर के और बाहर के दोनों सेम है, बस एक छोटा वाला स्प्रिंग डिफरेंट है। हम इसको दिखा देते हैं, देखो ये सेम है, ये छोटा वाला डिफरेंट है बस, जो दो स्प्रिंग है बाकी सेम है। और ये प्लेट हो गई इसकी, यही प्लेट इसकी तरफ चिपकती है और इसके तार भी जल गए हैं, ये भी हमें लगाने पड़ेंगे। और ये लीवर के हैं, ये मैनुअल लीवर है जो इसको मैनुअली रिलीज करता है ब्रेक को। और इसमें ये दो बॉल रहती हैं जिसमें बॉल टाइप नट है, ये इसमें ये ऐसे टाइट हो जाता है। तो इसको हम एक तरफ रख देते हैं अभी, और इसको हम पकड़ लेते हैं, थोड़ा साफ़ कर लेते हैं इसको, ये ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इस तरह से अब ये अब साफ़ सुथरा दिख रहा है। ये इसके अंदर जो है ये हमारी मैग्नेट कॉइल है, इसमें हमें वोल्टेज देने पड़ते हैं, इसके तार भी जल गए, हम इसके तार भी लगाने पड़ेंगे। और ये इसके ऊपर प्लेट रहती है, इसके नीचे बीच में स्प्रिंग रहते हैं जो इसको प्रेशर देते हैं, ऊपर की तरफ धकेलते हैं, और ये मोटर में ब्रेक शू को चिपकाए रखता है। और फिर जब मैग्नेट बनती है तो इस प्लेट को ही वो अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे ये प्लेट रिलीज हो जाती है और मोटर घूमने लगता है। तो इस तरह से ये दबा के रखती है ऊपर को स्प्रिंग के सहायता से, और फिर उसको जब मैग्नेट कॉइल खींचती है तब ये फ्री होता है, तब मोटर घूमता है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे अच्छी तरह। ये रेक्टिफायर है, इसके बारे में भी जानना आपको ज़रूरी है। इसमें जो ये एसी के निशान है स्टार्टिंग के दो, इसमें हम इसकी मेन सप्लाई देते हैं, और ये प्लस माइनस हो गए और स्विच के कनेक्शन हो गए, जो पहले से ही इसमें लूप है। स्विच को हम अलग से भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें ये लूप है, लूप ही रहता है अधिकतर, क्योंकि स्विच इसका हम जल्दी यूज नहीं करते हैं। तो इसमें ये प्लस माइनस में हमें मैग्नेट कॉइल के कनेक्शन देने होते हैं, जिसमें हम अभी तार भी हमें जोड़ने पड़ेंगे पहले इसके, तब जाके रेक्टिफायर में हम इसको दे पाएंगे। तो इस तरह से पहले हम इसके दो वायर इसमें जोड़ लेते हैं। ये ध्यान रखना है कि लाल में लाल और काले में काला, या कोई दूसरा रंग भी हम ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह से हम इसको सोल्डरिंग करके, सोल्डरिंग आयरन हमारे पास में होना चाहिए, ये काम आ ही जाता है। वैसे तो ये इलेक्ट्रॉनिक का आइटम है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में काम आ जाता है ये, कभी कभी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स भी करना पड़ जाता है हमें। तो इस तरह से हम इसमें स्लीव डाल के टेप मार के इसे अच्छी तरह से टेपिंग कर लेंगे, जिससे ये जल्दी ना छूटे और आपस में शॉर्ट भी ना हो। तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ जाती है कभी कभी, तो इस पर हम अच्छी तरह से टेप कर देते हैं। वैसे ये मैग्नेट कॉइल ख़राब है, लेकिन हम इसको फिर भी अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरह से चेक करेंगे कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है, प्रॉपर तरीका हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो अभी इसके वायर कनेक्ट हो गए हैं, अब हम इसको रेक्टिफायर में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें रेक्टिफायर में हम ये दो तार कनेक्ट करेंगे, रेड को पॉजिटिव में और ब्लू को नेगेटिव में। तो उस तरह से हम इसको कनेक्ट करके इसमें सप्लाई देंगे, और इसका फंक्शन भी देख लो, इसका जो है ना 190 वोल्टेज का फंक्शन रहता है, ये डीसी आउटपुट करता है 190 वोल्टेज, इसको 440 हम इसको एसी वोल्टेज देते हैं रेक्टिफायर को। तो अब इसके कनेक्शन भी हम इसमें दो तार अलग से जोड़ देते हैं, प्लेट इसके ऊपर रहेंगे, रख देते हैं अभी ऐसे ही, बाद में इसको फिट कर देंगे। तो ये कनेक्शन हम इसके ऐसे ही टेम्परेरी अभी लगा देते हैं, और ये स्प्रिंग है इसमें हमें थोड़ा वैसे ही लाइट दे के देखते हैं। अभी ये 220 वोल्टेज अभी हमने दे के देखा, तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क हमें
नहीं नज़र आए। तो अब अभी इसमें इसके बाद में 440 ही दे के देखेंगे, क्योंकि इससे इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसमें मैग्नेट इतनी नहीं बन रही है। तो अभी हम इसके प्रॉपर स्प्रिंग लगा के और तब जाके 440 से ही ऑपरेट करके देखेंगे। प्रॉपर इसके स्प्रिंग भी लगा लेते हैं और इसकी प्लेट भी इसके ऊपर रख लेते हैं। इस तरह से इसके तीन तीन स्प्रिंग आमने सामने हो जाते हैं और ये तीन स्प्रिंग तीन हिस्सों में ऊपर की तरफ हो जाते हैं इसके। तो इस तरह से इसकी प्लेट, ये हम इसमें तीन जो हमने इसके बोल्ट खोले थे वो हम इसमें वापस से लगा देंगे। और 1 से 1.5 mm का हम इसमें गैप रखते हैं चिपकने के लिए, तो तब तक उसको टाइट करते रहते हैं जब तक उसमें 1 से 1.5 mm या ज़्यादा से ज़्यादा 2 mm का गैप उसमें मेंटेन हो जाए। वो गैप हमें बराबर मेंटेन करना होता है। ये इससे तो हम अभी प्लेट को दबा देंगे, लेकिन ये तीन बोल्ट हमें एडजस्ट करने के लिए होते हैं, जो मोटर की तरफ ये टकराए रहते हैं, मोटर की तरफ की प्लेट में, तो वहाँ पे हम इसको टाइट करते हैं, वहाँ एडजस्टिंग सही होती है। यहाँ पे हम इसकी एडजस्टिंग को सही नहीं मान सकते। तो ये लीवर भी हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं अभी। तो ये अगर आप ध्यान से देख लोगे तो आप खुद कर पाओगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसानी से हो जाता है। हमें ये पता रहना चाहिए कि इसका फंक्शन क्या है, तो सब काम अपने आप हो जाता है। तो पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे, पहले हम रेक्टिफायर में देखेंगे एसी वोल्टेज। तो अभी ये देखो 410 वोल्टेज हमारी आ रही है। इसके बाद जहाँ हमें ये तार कनेक्ट करने हैं तो इसकी डीसी वोल्टेज भी हम चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को डीसी पे सेलेक्ट करके और इसके डीसी वोल्टेज देखेंगे कि 190 वोल्टेज आ रहे हैं नहीं। तो 190 में थोड़ा 10-20 इधर भी हो जाते हैं। देखो 215 वोल्टेज तक, ये 210-15 तक ये दे रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी चलती है। तो डीसी वोल्टेज ये हमारी आ रही है रेक्टिफायर से, तो रेक्टिफायर सही काम कर रहा है। अभी हम इसको कनेक्ट करके देखेंगे, तो रेक्टिफायर से ही हमें डीसी वोल्टेज में इसको कनेक्ट करना होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान से लगाएं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वाइंडिंग में ही जाता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से ये कनेक्शन सही करना चाहिए। जहाँ जिसका सिंबल दिया हो वहीं पे वही वायर लगाना चाहिए। तो इस तरह से ये नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट हो गया। और अब हम इसको सप्लाई दे के देखते हैं कि कितनी मैग्नेट इसमें बन रही है। तो हम इसके बीच में कोई चाबी या पाना दे के भी चेक कर लेते हैं, और नहीं तो फिर वैसे भी पता लग जाता है कि जब सही काम करेगी तो ये अपने आप चिपक जाएगी, लेकिन ये नहीं चिपक रही है और काम प्रॉपर नहीं कर रही है। तो अभी ये हमारा काम नहीं हुआ है, समझो ये मैग्नेट कॉइल ख़राब है और हमें इसे रिप्लेस करनी ही पड़ेगी, वो रिवाइंड हमें ये करानी पड़ेगी। अभी हमारे पास में ये दूसरी मैग्नेट कॉइल है, तो हम इसको इसी सेम रेक्टिफायर से कनेक्शन दे के दिखाएंगे कि ये कैसे काम करती है। प्रोग्राम इसका भी सेम है, ये साइज में थोड़ी छोटी है, लेकिन प्रोग्राम इसका बिल्कुल सेम है। तो रेक्टिफायर में हम इसके कनेक्शन कर देते हैं, तो इसी सेम प्रोग्राम पे हम देखते हैं ये कैसे ऑपरेट होती है, क्योंकि बड़ी कॉइल में हमारे इसमें मैग्नेट नहीं बन रही है, क्योंकि ये ख़राब है हमें पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी हमने इसके पार्ट खोल के दिखाए। तो अभी इसको हम ऑपरेट करके देखते हैं, इसमें सप्लाई दे के देखते हैं। तो इस तरह से ये हमने सप्लाई दी, तो ये तो एकदम ओके काम कर रही है, एकदम चिपक रही है, और मैग्नेट भी इसकी हैवी बन रही है। तो इस तरह से ये कॉइल सही है। और मोटर में अभी हम इसको समझा देंगे आपको, इस तरह से इसका गैप भी आप देख लो, 1 से 1.5 mm तक का इसमें गैप मेंटेन रहता है, और ये हमें बराबर रखना पड़ता है इसके पूरे के पूरे चारों तरफ। और इस तरह से ये इसमें हम आपको दिखा देते हैं, देखो किसी लोहे को, लोहे की किसी चीज़ या चाबी को हम ऊपर से भी इसके ऊपर डाल के दिखाएंगे तो ये एकदम से पकड़ लेगी। वैसे तो ये दिखाई दे रहा है सही, कि मैग्नेट सही बना रही है और ये ऑपरेट भी सही हो रही है। देखो इस तरह से इसमें ये हैवी मैग्नेट बन रही है अच्छी, तो ये बिल्कुल ओके है। और ये देखो हम इसको ऊपर से इसके ऊपर फेंकते हैं तो यहीं पे चिपक रही है। वैसे तो हमें इस प्रमाण की ज़रूरत नहीं थी, ये दिखाई तो दे ही रहा है कि ऑपरेट हो, लेकिन फिर भी हम इसको आपको दिखा देते हैं कि देखो ये दूर से ही पकड़ रही है लोहे को। तो इस तरह से हम इसको अब एक तरफ रखते हैं और इसको मोटर पर ही आपको फिट करके दिखाएंगे। ये वैसे ख़राब है, डिक्लियर है, और इसकी मैग्नेट कॉइल हमें रिवाइंड करानी ही पड़ेगी। तो इतना चेक करके हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ ये ख़राब है और रिवाइंड करानी पड़ेगी इसकी मैग्नेट कॉइल। और ये देखो ये इसकी ब्रेक शू है, ब्रेक शू प्लेट है जो मोटर पे चिपकती है,
और इसको हमने बता दिया कि ये प्लेट देखो इतना गैप मेंटेन करके रखेंगे हम लगभग, और यहीं पे इस तरह से हम इसकी एडजस्टिंग करेंगे, इसके बोल्ट इसमें लगा देंगे इसमें अंदर से, और जब तक टाइट करेंगे इसको जब तक कि ये मोटर बिल्कुल हाथ से घूमना बंद ना हो जाए अच्छी तरह, तब तक हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो देखो इसको यहाँ पे टाइट करके और फिर इसको देखेंगे हम कि कहाँ पे ये सही एडजस्ट हो रहा है। ये जाम होना चाहिए यहाँ पे, जब हम इसको सप्लाई देते हैं मैग्नेट कॉइल को तभी ये फ्री होना चाहिए। तो इस तरह से ये एलेंगे से हम इसको टाइट कर लेंगे, तो जब तक टाइट करेंगे हम जब तक ये बिल्कुल मोटर जाम ना हो जाए, और फिर हम इसको देख लेंगे कि ये जो इसमें तीन बोल्ट दिए रहते हैं ये यहाँ पे सही से एडजस्ट होते हैं, क्योंकि हमें ये सामने वाली प्लेट में टकराने होते हैं तब जाके ये यहाँ पे सही एडजस्ट होते हैं। तो इस तरह से ये अभी हम टेम्परेरी ऐसे आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप एडजस्ट करोगे तो इसकी एडजस्टिंग बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। आप किसी चीज़ को चाहे तो ग्राइंडर का कोई ब्लेड हो या कोई पतली सी कोई पत्ती हो जो उससे आपको इसके बीच में दबा के गैप इसका बिल्कुल बराबर मेंटेन करना होता है। तो इस तरह से ये हमने आपको लगा के दिखाया, अभी भी ये हाथ से घूम रहा है तो अभी हमें और टाइट करना पड़ेगा ये, तो और टाइट करके इसको तब जाके ये तीनों बोल्ट एडजस्ट करने होते हैं हमें बराबर, सामने वाली प्लेट में ये बोल्ट लगे रहने चाहिए जिससे कि ये सही टाइट रहे, और इनके बीच में से ही फिर हमें एलन की बोल्ट इसके टाइट करने होते हैं। देखो ये बिल्कुल एकदम अब जाम है, और इसका मैनुअली लीवर भी हम हाथ से करके दिखाएंगे तो ये देखो अब ये पीछे आई प्लेट, तो इस तरह से ये मोटर फ्री हो जाएगा अब, क्योंकि इसके ब्रेक शू फ्री हो जाते हैं इस टाइम पे। देखो ये अब घूम रहा है, और छोड़ देंगे तो जाम हो जाता है। यही काम सेम मैग्नेट करती है, मैग्नेट कॉइल यही काम करती है जो अभी मैनुअल लीवर कर रहा है कि इस प्लेट को पीछे खींच लेती है जिससे कि ब्रेक शू फ्री हो जाए और मोटर घूमने लगे। तो इसका इतना ही। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमें ये पता है कि बहुत सारे व्यूवर्स हमारे ऐसे हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, लेकिन वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों इसमें कोई पैसा नहीं लगता, प्लीज़ हमारी तरफ से आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यह हमारी आपसे विनती है। नमस्कार दोस्तों।